लोकल सेवा बंद होने के कारण काम पर जाने वाले यात्रियों ने कल्याण एसटी डिपो में भीड़ भाड़ कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा डाली। दरअसल कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से बचने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन किया था। सोमवार से मुंबई में अधिकतर सरकारी कार्यालय व कंपनियों को सरकार ने शुरू करने की अनुमति दे दी। लगभग 78 दिन बाद कर्मचारी काम पर जाने के लिए भारी तादाद में सड़क पर दिखाई दिए। आपको बता दें कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल सेवा बंद होने के कारण काफी वक्त बाद आज सुबह काम पर जाने वाले यात्रियों की भीड़ कल्याण एसटी डिपो में देखने को मिली और लोग बस में चढ़ने के लिए लंबी कतार लगाए हुए हैं। इस भीड़ भाड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। बता दें कि कल्याण शहर में हर दिन लगभग 50 के आसपास कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। मनसे के विधायक राजू पाटिल ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया है। अनलॉक वन से पहले सरकार के पास कोई योजना नहीं और रणनीति का अभाव है। ऐसे हालात में तो लोगों की जिंदगी अब भगवान भरोसे ही है। हमारी न्यूज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।